एक गांव में अरविंद नाम का आदमी बेरोजगार था। अरविंद रोज अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर ऑफिस के पास घूमता, पर उसे कभी कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन अरविंद के पिताजी मोहन, बेटा तुम्हारी बहन शादी के उम्र की हो गई है, मैं इस जीवन में कुछ कमा नहीं पाया और तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, अब हमारी परिस्थिति क्या हो गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरविंद को क्या बोलना चाहिए कुछ नहीं समझ आता और बस सर झुका लेता है। पिताजी भैया को परेशान मत करो, बेचारे वो नौकरी के लिए सच में इतनी कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारा घर तो नहीं डूब जाएगा, हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, इसीलिए आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। आ जाओ भैया खाना खा लो। अरविंद की आंखों में पानी आ जाता है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। शालिनी अरविंद को राखी बांधती है, स्वीट्स भी खिलाती है। तुम्हें देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है बहना, मेरे जैसे भाई रहना तुम्हारा दुर्भाग्य है। भैया मैंने आपको रक्षाबंधन बांधा है, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसी मन्नत मानकर बांधा है। आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपका मेरे ऊपर प्यार ही बहुत काफी है। उस रोज अरविंद गहराई से सोचते हुए सड़क पर जा रहा था। सड़क के बीच में एक मैनहोल खुला था। अरविंद उसे बिना देखे उसके पास जाता है और उस मैनहोल में गिर जाता है और जाके एक टनल में गिर जाता है। उस टनल की दीवारें पैसों से भरे हुए होते हैं। अरविंद उस टनल में तैरते गया, ऐसे बहुत दूर तक जाता है। आखिर में एक अंडरग्राउंड इमारत में आकर गिर जाता है। उसे यहाँ वहाँ देखने पर बस पैसों के बंडल ही दिखाई देने लगती है। अरविंद आश्चर्य हो जाता है। इतने में वहाँ लक्ष्मी देवी प्रकट होती है। हे माँ, ये कैसी माया है? माया नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहन ने किया पूजा का फल है। बेचारी वो बच्ची रोज पूजा करती है ताकि तुम खुश रहो। वो अपना पेट खाली रखकर तुमको खाना देती है। वो तुमसे कुछ भी आस नहीं रखती, बस यही दुआ करती है कि तुम खुश रहो। ऐसी बहन मिलना तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब है। तुम यहाँ से जितना चाहो उतना पैसा लेकर जा सकते हो। तुम बड़े आदमी बनकर गरीबों की भी मदद करना। ऐसे बोलने पर अरविंद उन्हें नमस्कार करता है। अरविंद पैसों के बंडल लेकर उस मनी टनल में तैरता गया, उन पैसों को घर ले आता है। मोहन और शालिनी वे पैसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। इतने सारे पैसे आपको कैसे मिले भैया? तुम्हारी वजह से ही मिला है बहना। ऐसे बोलकर जो कुछ हुआ सब बताता है। मोहन और शालिनी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे अरविंद रोज उस मनी टनल में तैरता जाता है, उस अंडरग्राउंड इमारत से पैसे लेकर आता है। उस मनी होल से पैसे लेकर बाहर आता है। ऐसे ही अरविंद का परिवार बहुत अमीर बन जाता है। शालिनी की शादी भी शानदार तरीके से होती है। अरविंद गरीबों को दान भी करता है। गांव में इस परिवार के पास इतना सारा संपत्ति कैसे आया कोई न समझ पाकर अपने सर के बाल खींचने लगे। एक दिन उस गांव के जमींदार श्यामलदास अरविंद को मैनहोल से पैसे बाहर लेकर आते देखता है। ओहो, मतलब ये बात है, इस मैनहोल में बहुत पैसे है लगता है। ऐसे सोचता है। उस रोज रात में श्यामलदास उस मैनहोल में जाता है। बस कोई तो उसे मैनहोल में मारता है। वह मैनहोल से बाहर आकर उड़कर एक पेड़ पर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप रे, ऐसे बोलकर घर जाता है। क्यों जी, आखिर इतनी रात में बाहर क्यों गए? मेरे नसीब में था कि मैं बाहर जाऊं। जिसके नसीब में जो लिखा है वही होता है। तुम पहले पानी गरम करो, मुझे गरम पानी से सेकना है। उसे कुछ नहीं समझता। शालिनी अरविंद को हर साल बिना भूले जरूर राखी बांधती थी। अरविंद उसे सोने का जेवर गिफ्ट करता।